नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। शादी के बाद महिलाओं का प्रताड़ित करे के मामला बढ़ते जा रहा है। ऐसा एक मामला थाना सिमरिया में आबे वाले गांव झलवार किया, जहां पीड़ित महिला जौन की आशा कार्यकर्ता हैं। वो 4 महीना पहले रीवा महिला थाना में शिकायत करी रही कि पिछले 1 साल से महिला के पति जेठ और देवर तीनों जने मिल के प्रताड़ित करत हमा। वहीं पीड़ित का नौकरी छोड़े के धमकी देत हमा। आई अपना का सुनाई थे यह मामला का लेके महिला थाना प्रभारी का जानकारी दीन हमा। थाना सिमरिया अंतर्गत झलवार ग्राम की महिला है, जिसकी शादी 2002 में हुई थी। ये आशा कार्यकर्ता के पद पे काम करती है अपने ही गांव में। अभी पिछले 1 वर्ष से इसका पति और इसके घर के सदस्य देवर और जेठ लोग मिलकर सभी तीनों लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। किसी हर बात पे इसको नौकरी छोड़ने की धमकी देते हैं कि नौकरी छोड़ दो। और ये करीब 6 महीने से अपने पति से अलग रह के किराए का कमरा लेकर रह रही है। वहाँ भी ये लोग जाकर उसको आए दिन धमकाते हैं और अनावश्यक प्रताड़ित करते हैं, जिसकी रिपोर्ट महिला ने 4 महीने पहले महिला थाने में की थी, जिस पर हमने दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग भी कराई थी। उसके बावजूद भी ये लोग उसको ठीक से रखने को तैयार नहीं है, अलग से रह रही है, वहाँ भी जाकर परेशान करते हैं, जिससे हमने प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। 498A सेक्शन। रीवा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आबे वाले एजी कॉलेज मोड़ के लगे गोली चले की घटना सौहे आई है। घटना की सूचना मिलते सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा अपने दल बल के साथ पहुंचे गए और घटना के जांच करत लाघमा। थाना प्रभारी बताइन के दूठ युवक रितेश रावत नाम के युवक का गोली मार के फरार हुई की हमा। वहीं घायल का संजय गांधी अस्पताल पहुँचावा कहा है, जहाँ घायल के उपचार चल रहा है। गोली चली है यहाँ से, कोई लड़के दो लड़के जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, पाछे बाइक से पता चला है उन्होंने गोली चलाई है। यहीं पर एक लड़का आदिवासी लड़का है, उसको गोली लगी है। कहाँ पर लगी है गोली? अब हमने तो देखा नहीं, पीछे बता रहे हैं कि पीछे लगी है कहीं से। तो ये गोली चलाने वालों को पता नहीं चला कौन लोग हैं? नहीं, पता चला, बोले कि मुँह बताया कि मुँह बांध के इधर से निकल गए, इधर से आए सपना। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका क्या नाम है? नाम क्या है? रितेश रावत। अभी सूचना मिली थी कि एजी तिराहे के पास क्रेन सर्विस में एक लड़का काम करता था, रितेश रावत। रोड से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से निकलते हुए उसको फायर किए हैं, जिस जो उसके कमर के ऊपर लगी हुई है। घटनास्थल देखने पे खोखा मिला है और इलाज अभी इसका संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हालत ठीक है, आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, विवेचना जारी है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि लगभग 2 लोग थे मोटरसाइकिल में, कमर में लगी है, एक ही फायर है। रीवा जिला के सोहागी थाना क्षेत्र में आबे वाले दुआरा गांव में मानसिक रूप से कमजोर महिला अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा ली, जैसे महिला के मौके में मौत हो गई। वहीं आगे की लपट इतनी तेज रही कि सगला घर आगे के चपेट में आएगा, जेके बाद मौके में पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आगे में काबू पाई हमा। बतावा जाता है कि शुक्रवार का रात के गांव में रहने वाली महिला श्याम कली यादव आगे लगा ली हमा। तो आगे थाना अंतर्गत जलने के संबंध में मर कायम हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ है, इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई और जांच की जा रही है। उन सब चीजों का आकलन तैयार किया जा रहा है जो हमारी जांच का विषय। सर अकेले रहती थी कि और भी परिवार को उसको? ये सब चीजों की जांच अभी जारी है। परिजनों का कहना था कि कई बार इनके द्वारा कहा गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे। इन सब चीजों को जांच में शामिल किया जा रहा है और आए हुए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रीवा में सिविल लाइन पुलिस कबाड़ी मोहल्ला में दबिश्ताई के महिला के लगे से 6 कार्टून डिब्बा जिमा 738 cc नशीली कप सिरप बरामद करीन हमा। अपना का बताए दे, कबाड़ी मोहल्ला में कई दिना से महिलन के द्वारा नशा के कारोबार चलावा जात लाघब है। अपना का बताए दे, पकड़े गए आरोपी में रोशनी लोनिया अपने घरे के सौहे नशीली कप सिरप के कारोबार करत पकड़ी गई हैं। सूचना मिली थी कि कबाड़ी मोहल्ले में कुछ महिलाएं नशीली कप सिरप कोरेक्स बेचने का विक्रय का काम कर रही हैं। इस सूचना की तस्दीक के लिए सब इंस्पेक्टर शुक्रलाल को निर्देशित किया गया था, टीम बनाकर उनके द्वारा दबिश दी गई। दबिश पर सूचना सही पाई गई, रोशनी लोनिया करके एक महिला है, वो विक्रय करते हुए मिली और पुलिस को देख करके वो तो निकल गई, लेकिन उसके पास से
6 पेटी लगभग 738 सीसी कोरेक्स की नशीली कफ सिरप मिली हैं, जिस पर NDPX एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। कार्रवाई अभी जारी है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जड़ कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है यह आए दिन देखने का मिला था। वह पुलिस विभाग से लेके शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हमा, पर भ्रष्टाचार अधिकारी अपने आदतन से बाज नहीं आवत लागा ही। ताजा मामला लालगांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, जहां के प्राचार्य अशोक सिंह बघेल 25,000 की रिश्वत लेत गिरफ्तार किए गए हमा। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।